वो लोग पूछ रहे हैं कि आप रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? तो मैंने कहा बिकॉज आई पेड फॉर इट एंड नाउ आई हैव अ वॉशिंग मशीन आल्सो। एवरीडे अगर धोबी ने भी प्रेस किए होंगे इतनी महंगी जीन्स डीजल बस करो यार ऐसे होगा ही ना खुद ही करोगे प्रेस। वो देखिए सही भाई आ गए हमारे साथ रिकॉर्ड करने के लिए बस और दो यहाँ पे खरीदना है नहीं पांच छह सनी भाई लेके आए होंगे यहाँ पे एक भी नहीं लेके मगर भूलना आसान नहीं ठुकराया हुआ प्यार बुझता नहीं धुआं छोड़ता एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की फोटो नहीं है वीडियो है मुझे पता है मैं इतना भी आप नॉट टेक्नोलॉजी यू आर वेटिंग फॉर पीछे का गुड मॉर्निंग फ्रॉम पर्थ आज है इंडिया का मैच डे 3 बिग मैच इंडिया साउथ अफ्रीका सुबह की धूप बड़ी स्ट्रांग है आज करीब 8:15 बजे हम उठे हैं आज व्लॉग नंबर 2 हम बनाएंगे कैसे मैच के दौरान क्या कवर करते हैं क्या करते हैं उस जर्नी में आप सबको लेके चलेंगे। फिलहाल ये हमारा अपार्टमेंट है पर्थ में जहाँ हम रुके हैं और अंदर जो हमारा कुआ है 4 मेंबर क्रू है मैं हूँ 4th 3 जो हैं वो अभी भी सो रहे हैं। मैच तो शाम को है लेकिन हमारा काम सुबह ही शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये है मिस्टर विक्रांत गुप्ता 8:39 सुबह के टाइम हुआ है क्या है प्लान आज मैच का? बड़ा खुशगवार मौसम है आज कह रहे हैं आज बड़ी ठंड पड़ेगी जैकेट खरीदनी है तो फर्स्ट ऑन एजेंडा बिफोर वर्क इज शॉपिंग डीएफओ जाएंगे पर्थ डीएफओ एट 11:00 एंड रूबीकॉन में जाएंगे और अच्छी सी एक जैकेट लेंगे राल्फ लॉरेन की जो आप पे करेंगे हम यहाँ सोच के आए थे समर्स हैं इसलिए हम एक एक जैकेट लेके आए सब कि सेफ्टी फ्लाइट में ठंड लगेगी तो पहन लेंगे पर यहाँ रोज जैकेट पहननी पड़ रही है हालांकि वो लोग पूछ रहे हैं कि आप रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? तो मैंने कहा बिकॉज आई पेड फॉर इट एंड नाउ आई हैव अ वॉशिंग मशीन आल्सो। ओह वाओ बट नहीं वो भी हम बताएंगे जब आप वॉशिंग मशीन को यूज करेंगे। चलिए मैं जाहिर हूँ यूज हो चुकी है बस वहां से कपड़े निकालने हैं। ओह लेट्स गो। ओह अच्छा हिमांशु इज ऑलरेडी पिक्ड अप द क्लोथ्स। अच्छा ये आते ही रात को धो दिए गए थे। गुड थिंग इज कि ये जो मशीन्स हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमेशा दे कम विद ड्रायर आल्सो मतलब ड्रायर इन द सेंस कि ये गर्म होके आते हैं कपड़े सूख के नहीं गर्म होके आते हैं। ओह वाह सच्ची में ड्रायर्स होते हैं इसमें ड्रायर में हो अपने आप ही होके आया साइकिल तो इसको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए खिलारा जो मचा हुआ है पूरा ऐसे ही होता है अभी काम करते हैं ना सारे कैमरा का सामान ये हमारा लाइव व्यू यूनिट ये सब खुला है इसलिए हम अपार्टमेंट्स ही लेते हैं ज्यादा करके कोई सामान इतना है। ये हमारी छोटी सी किचन है ये तो एक बेडरूम है दूसरे बेडरूम में आज जो हमें चाय पिलाते हैं हमेशा मिस्टर हिमांशु नहीं नजर आए नहीं तो उनके चाय के साथ दिन की शुरुआत होती है उठाते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग। ये देखिए आज यार आपने चाय नहीं पिलाई है हमें। गुड मॉर्निंग। क्यों आज लेट हो गए हैं आज ये हमारे पीके बाबा बहुत ठंडा है। गुड मॉर्निंग। ठंडा बहुत है तो रात में नींद भी मुझे लगता देर से आई और अब तो उठ गए हैं पीके बाबा। अब सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच जी। ये आप 100 साल जिएंगे। 100 साल नहीं भाई मेरे को इतना जीना है जितना मेरा आराम से मैं काम कर सकूं दिमाग मेरा ठीक रहे।
सौ साल तो बहुत लंबी उम्र होती है। कहने की बात यार, आपने बड़ा जबरदस्त काम किया। क्या देख रहे हैं? मैं कल का एपिसोड देख रहा हूँ, पिकनिक विद विक। हाँ, बिकॉज देखिए आपने शो बड़ा जबरदस्त किया। थैंक यू भाजी, थैंक यू। मतलब कमाल, इतनी ठंड में बरसात भी हो रही थी यार। ये देखिए मैसेज आ रहे हैं उनके, जो चल रहे हैं शो से। क्योंकि बाबा क्या है हमारा आज का, आज निकला जाएगा सर? आज तो मौसम बड़ा साफ है, ढूंढा साफ नहीं है, लग रहा है साफ। बाहर बर्फ की हवाएं चल रही है बाहर, बट धूप तो खिली हुई अच्छी निकली है। वो जाके देखो सर, ठंडी हवा तो है। सबसे पहले तो वेदर, जिसका सबको इंतजार रहता है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप खिली हुई है मेरे पीछे। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, ये देखिए आपको दिखा, इट्स ब्यूटीफुल वेदर। ये देखिए इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन खुद अपनी चीजें यहाँ प्रेस करनी पड़ती है। नहीं तो यहाँ पे नहीं करनी पड़ती है। हाँ। अगर कोई मुझे पूछे थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट मी, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये मुझे बचपन से आदत है। आई आन माई ओन क्लोथ, मैं अपने कपड़ों को खुद से घर में भी एवरी डे, अगर धोबी ने भी प्रेस किए होंगे। इतनी महंगी जीन्स डीजल, बस करो यार, ऐसे होगा ही ना, खुद ही करोगे प्रेस। तो मैं घर में भी एवरी डे, जो मैं मतलब ऑफिस या कहीं जो भी कपड़े पहन के जाऊंगा, तो अपने हाथ से 10 मिनट लगाने पड़ते हैं। क्या करें, तैयार हो गए वैसे सब, एंड वी बी हेडिंग टू द ग्राउंड। वैसे अक्सर हम ब्रेकफास्ट ढूंढते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स तक फैमिली के लोग ही इतने अच्छे हैं। ये सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये आए हुए हैं, से हाय। हेलो। और देखें, ये हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आए हुए हैं, ये बड़ौदा से हैं। और ये हमारे सिद्धार्थ जी हैं, ये हमारे लिए, उन्होंने कहा आप रोज, मैं देख रहा हूँ पिकनिक विद विकनिक, आप पता नहीं क्या ऑस्ट्रेलियन चीजें खा रहे हो, तो दही और पराठे आए हैं जी फॉर ब्रेकफास्ट। चाय भी लेके आ रहा था। ओ भाई, ये किस चीज के पराठे हैं? ये गोभी और पनीर। अरे वाह, गोभी एंड पनीर, वाओ वाओ। आप प्लेटें लगा रहे हैं, ये इतने ज्यादा लेके आए हैं। अचार भी है, दही, एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ पराठा। बहुत यार, ये इतना खा लेंगे तो काम क्या होगा फिर उसके बाद? फिर तो गंदे पड़ जाएंगे। मुझे तो अभी से नींद आ रही है देख के, अभी से नींद आ रही है। 15-15 मिनट का रास्ता है सब। बस ठीक है, यहाँ से 19 मिनट है डीएफओ, और डीएफओ से मीडियम। ये रंग ये पसंद है? रंग मैं इफ रिमेम्बर निखिल, मैं एक साल से ये वाला ढूंढ रहा था, और द ओनली थिंग इज थोड़ा महंगा है। आप मुझे थोड़ी सपोर्ट कर देंगे? अरे क्या बात कर रही, ऑफ कोर्स। आपको पता है मेरी जेब में $20 हैं। कोई बात नहीं, सो आई नीड ऑल योर। क्या साइज क्या है ये? आई थिंक पहन के देख लेता हूँ एक बार। परफेक्ट साइज। टॉमी हिलफिगर कैसी है भी? ठीक है, वेरी स्मार्ट। परफेक्ट, वेरी स्मार्ट। टीवी के लिए लाइव इंडिया साउथ अफ्रीका का प्रीव्यू करेंगे हम इंडिया टुडे टीवी में, और उसके बाद यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट पिकनिक विद विकनिक करना है, सनी भाई के साथ रिकॉर्ड करना है प्रीव्यू फॉर द मैच। चलिए लाइव करते हैं फिलहाल। ओके, वी आर गोइंग लाइव नाउ, यू कैन हियर द ऑन एयर ऑडियो। Well, that's right. Yes, yeah. There are rain clouds here, but I have some good news to report, and that is that right now the bright sun is out shining in Perth, and you can expect a full 40-over game.
चलिए मेरा हो गया टीवी लाइव और परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि ये देखिए शॉपिंग करके पता नहीं कितनी जैकेटें ली होंगी इन्होंने। हाँ जी क्या क्या लिया? ओहो रैंस ऑरेंज पैसे नहीं दिए नहीं, मैं कार्ड देके आया था आपको। कार्ड आपने ऐसा दिया जिसमें आपके बैलेंस नहीं था। ऐसा नहीं है यार, तो मैंने आप यहाँ पे आके क्योंकि हम तो आए थे गर्मियों के लिए है, उतने ही कपड़े लेके आए थे, बट ये है कि एक मैंने हल्का सा ये सिद्धार्थ हमारे दोस्त बन गए हैं, लोकल दोस्त बन गए हैं, हमारे भाई हैं, बट ये एक छोटा सा स्वेटर लिया मैंने, मुझे ये $5 में मिल गया, मतलब 500। और ये छोटा सा मैंने अपने लिए लिया, एक्चुअली जो जिस कलर को मैं आई वॉज वॉन्टिंग वो नहीं मिला, वो डिफरेंट उसमें था, एक इस वक्त पिकनिक लाइव है। चलिए दक्षिण अफ्रीका की तरफ आए ना, तो आपने मेरे से सवाल पूछा क्यों मैंने क्यों कह रहे साउथ अफ्रीका 51-49 इंडिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली दोनों टीम में काफी गेम है, इंडिया का मैच है, लेकिन आप अपने घरेलू जमीन पर खेल, ये जो कंडीशंस हैं ये इंडिया के लिए पर साउथ अफ्रीका के लिए काफी होम कंडीशन है। बट क्या इंडिया जो एक हफ्ता यहाँ पर लगा के क्या मतलब वो यही आएगा? मैच से पहले की तैयारी कर रहे हैं अभी, सनी भाई के साथ हम एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे जो मैच से पहले हम यूज़ करेंगे, उनको स्टेडियम थोड़ा जल्दी पहुंचना है तो हमारा शो थोड़ा लेट है, तो इंटरव्यू हम थोड़ा सा प्री रिकॉर्ड करेंगे। ये हिमांशु जी हैं, सेटअप है, ये हमारी लाइव यूनिट है, इसे लाइव फीड सीधा चली जाती है टीवी की, कैमरा वगैरह हमने सेटअप किया है और यहीं पर हम सेट करें। मैं इंग्लिश में करूँगा, विक्रांत हिंदी में करेंगे। अभी ये देखिए बैठे हैं सड़क के किनारे, सनी भाई का वेट हो रहा है। क्या सवाल लिख रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है? नहीं मैं मतलब शाम की शो की तैयारी कर रहा हूँ, वही मैं बात कर रहा था कि आज आज तक पे लाइव जाना है, थोड़ी देर बाद स्पोर्ट्स तक पे भी करना है, तो आई वाज जस्ट डेलीगेटिंग। ठीक है बाबा जी बैठे हमारे। हेलो इज दिस टीम इज स्टेइंग हियर? नो नो नो, टीम इज स्टेइंग एट क्राउन टावर्स। क्राउन टावर्स द कैसीनो वर्सेस? यस ओके बाय। आई एम स्टेइंग हियर आई जस्ट नोटिस सुनील गावस्कर का कपड़ा जस्ट द गावस्कर हियर ओके इज ऑन द कमेंट्री ओके या एंड दैट्स थैंक यू ओके बाय बाय। वो देखिए सनी भाई आ गए हैं हमारे साथ रिकॉर्ड करने के लिए, ये रहे ना अब उनकी नई हैट है, ये सनी भाई लवली हैट यू गॉट, ये ऑस्ट्रेलियन स्पेशल है या ऑस्ट्रेलियन स्पेशल? अच्छा ये क्या मतलब मस्ट बी एक्सपेंसिव, क्या फर्क पड़ता है एक्सपेंशन के लिए? हाँ, आपके लिए लाइक इट इफ यू लाइक, आपके लिए नहीं किसी के लिए भी, अगर इफ यू लाइक इट एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट गेट इट, तो ये आज बट इट्स नॉट एक्सपेंसिव। अच्छा कमेंट्री बॉक्स में भी पहनोगे आप? आई एम नॉट टू श्योर, कमेंट्री बॉक्स में मुश्किल है, कमेंट्री बॉक्स में धूप कहाँ होती है। तो आपके पास कितने हैट कलेक्शन है? आई नो यू लव हैट। 5-6 होंगे बस, और दो यहाँ पे खरीदना है। नहीं 5-6 सनी भाई लेके आए होंगे यहाँ पे? एक भी नहीं लेके आया, एक भी नहीं लेके आया, ये पहली खरीद ली, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सारी मैचेस कमेंट्री शाम की है, मतलब धूप तो नहीं होगी, इसलिए पर आज यहाँ पे धूप है, हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हैट ले आऊं, और एक स्काई ब्लू कलर की एक पड़ी है वहाँ पे, मैं सोच रहा दिल आ गया जल्दी खत्म, दिल आ गया जल्दी खत्म करो, तो अभी नहीं नहीं झूठा भी नहीं, फिर आते हैं दरवाजा खुला तो दो आके ऐसा ग्रेट लाइफ। चलो 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 लेट्स गो, चलो यार लेट्स स्टार्ट विद लेट्स गो रेडी है ओके वी आर रोलिंग। सही भाई यहां पे नहीं है? हां यस सर। फैंस को साइड कर दो, फैंस हेलो 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 फैंस फैंस ओके स्टार्ट। सर फर्स्ट अप यू जस्ट लुकिंग देयर, आई विल रिकॉर्ड द नॉडीज अ लिटिल लेटर, वाज गोइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आई मीन इंडिया इज सिटिंग टॉप ऑफ द टेबल बट स्टिल नॉट गारंटीड ऑफ अ सेमी फाइनल स्लॉट, हाउ क्रूशियल इज दिस पर्टिकुलर गेम? From the confidence point of view, this is crucial because you want to win just about every game. आप लोग कहाँ से आए हो? इंडिया से। इंडिया से अभी अभी क्या वेट हो रहा है? सनी भाई के साथ फोटो लेनी है? तो सिर्फ ये मैच देख रहे हैं या और भी आप आगे? ये वाला मैच इंडिया साउथ अफ्रीका। ओके क्या लगता है इंडिया जीतेगा? इंडिया इंडिया ओके जी चलिए ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड गेम, लकीली गुड वेदर, क्लियर स्काइज हैं, तो आप लोगों को सबको
देखने को मिलेगा। मैच से पहले ही आपको एक अच्छी फोटो मिल जाएगी। ये झूलते नहीं, हम दोनों का एक है वो जो डबल रोल, तो द मेजर स्पीकिंग टू द अदर वन, तो वो अमीर लड़की थी। कैप्टन कैप्टन है वो वापस आई, नहीं आई मगर भूलना आसान नहीं, प्यार बुझता नहीं, धुआं छोड़ता। इट वाज अमेजिंग, यू नो हिम एंड आई थिंक यू नो शमी साहब। अरे शमी साहब विद ऑल हिज डांसिंग वाज अनबिलीवेबल, यू नो गोल्डन पीरियड। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की, जरूरत है। I love it, Chai Bhai. It's the blue of India. No, blue. This is pink. नहीं, this one. No, the one that you've got, वो तो है ही अच्छा, but उससे थोड़ा अलग is this. क्रोसा जीत रहा है पहले, उसके बाद में हम बोलेंगे लिटिल बिट ऑफ पर्थ। सो ज्यादा टाइम नहीं है, इट्स अबाउट 5-6 आवर्स टू गो फॉर द गेम। स्वान रिवर कारवा हमारा पहुंच गया है ऑप्टस स्टेडियम। ये राजी, यहाँ मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका। क्या ब्यूटीफुल स्टेडियम। ओके, ऑप्टस स्टेडियम पहुंच गए हैं। 2:30 बज रहे हैं इंडिया टाइम और करीब 2 घंटे बचे अभी मैच शुरू होने में। उससे पहले टेलीविजन शो लाइव करना है हमने, तो ये देखें ब्यूटीफुल ऑप्टस स्टेडियम। माहौल देखें मेरे पीछे, ऐसा लगता नहीं आप ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसा मुझे लग रहा है मैं कोई इंडियन शहर में हूँ। मुंबई में हो सकता हूँ, दिल्ली में हो सकता हूँ। अभी विक्रांत को ढूंढना पड़ेगा, हम दोनों के टीवी शोज लाइव है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं। तो बॉक्स है ये, खाने का इंतज़ाम है, खाना हमने खा लिया है। बैटिंग चल रही है इंडिया की और ये देखिए यहाँ कौन है, कुछ तो विक्रांत गुप्ता है, ये कर रहे हैं वॉच पार्टी कर रहे हैं। अच्छा पहले ये बताइए टीम ने क्या करी है बैटिंग। चलिए जो पिला रहे हैं, जो कुछ बैटिंग बची है थोड़ी बहुत प्रेस बॉक्स में। बड़ी सीट है ये, टू स्ट्रॉन्ग टू मीडियम फ्लैग वाइट्स। ओके, टू मीडियम, टू मीडियम फ्लैग वाइट्स। देवशीष दत्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। क्या हो रहा है इंडिया की बैटिंग, जहां बॉल घूमता है जहां तेज आता है, and they have decided to kya pere aap hot chocolate they decided to play fire with fire. Ha, it's not possible after losing 2 wickets. Yes, someone should have anchored the team, instead they wanted to attack. They are like the problem. Conditions your samne wali team ko favor karti hai, lekin mere liye coffee leke aaye, thank you very much. But somehow disappointing hai. Pragyan ki baat se main ittefaq rakhta hu ki
मिड इनिंग होने वाली है, एक ओवर बचा है, लेकिन हमें बाहर आना पड़ता है थोड़ा पहले, क्योंकि नॉन राइट शोल्डर है हम, तो अंदर स्टेडियम के नहीं शूट कर सकते, यानी स्टेडियम के अंदर ही एक ओवर पहले आना पड़ता है, तो कई बार लास्ट ओवर मिस हो जाता है। बट थैंक्स टू सूर्य कुमार, हिज बैटिंग शायद 140-145 कुछ रिस्पेक्टेबल सा टोटल भारतीय टीम बनाने में कामयाब हो सकती है। बाहर जाएंगे, टीवी का शो होता है, एंड टीवी के शो में फैंस आएंगे, फैंस की राय लेंगे, प्रज्ञान ओझा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ बात करेंगे। सी यू देन। विक्रांत गुप्ता मेरे से पहले, वो पैनिक कर जाते हैं, तीन ओवर पहले ही आ गए। आपको एक बात बताऊं, जो मैंने सीखा है, आप काट दीजिए कॉल। नहीं नहीं बोलिए। पैनिक करना ना जिंदगी में निखिल जी बहुत बहुत जरूरी चीज है। ओके। पैनिक अगर आप नहीं करते हैं तो आप, टीम इंडिया तो पैनिक ही करती है। नहीं नहीं, आप चीजों को आसान लेते हैं। हाँ। आप अगर रन नहीं बना रहे हैं, दो मैच हो गए आपको, हाँ। और आप टेक्निकली शॉर्टकमिंग्स हैं आपकी, तो मुझे पैनिक करना चाहिए? मैं ट्रैवल डे पे इंतजाम करूँ, मैं कहूँ जी मैं एक घंटा नेट लगा के आऊँगा, फिर मैं अगले दिन आऊँ और वो प्लेयर जो नहीं खेल रहा है 11 में, वो दो घंटे बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, उसका क्या फायदा है? तो उस प्लेयर को होना चाहिए मैं आज 2.5 घंटे बैटिंग करूंगा। अच्छा, अब क्या होगा मैच का, चांस है कुछ क्रिकेट में? चांस तो होता ही है, वो तो सेफेस्ट चीज है ये कहने की कि चांस होगा। स्कोर तो अब क्या फर्क पड़ता है, स्कोर आपका ये है कि जिम्बाब्वे जितना स्कोर आप बना देंगे तो चलो अच्छी बात है यार। 127 पे 8 आउट हो गए, एक ओवर रह गया। आप मुझे बताइए, जब से आप साउथ अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, जब से आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं, केएल राहुल को अपने नेट्स में कितने दिन? इनको वैसे देख के तो ऐसे लग रहा है मैं अंटार्कटिका आया हूँ हिमांशु को देख के, लेकिन है तो आप क्लोज है ना अंटार्कटिका के, यहाँ से तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हवाएं इतनी ठंडी है ना, तो मैं वही आपको बता रहा था कि आप सर सीरियसली लीजिए, क्योंकि अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इंडिया भी अभी सेमीफाइनल गया नहीं है। मैच बन गया है वैसे, यहाँ से है क्लोज। प्लान क्या है अब, ये प्लान है, सनी भाई से बात हो गई है और वो जूम से ज्वाइन करेंगे, मैं बाहर हूँ, वहाँ होंगे। आपके साथ कौन कौन जुड़ेगा? मेरे साथ हरभजन सिंह है, मदन लाल जी हैं, कई सारे एंकर्स हैं और यहाँ के हमारे पाकिस्तानी तमाशाई हैं और इंडियन तमाशाई गेम इज ऑलमोस्ट डन और भारत हार गई है, फैंस बाहर जाने लगे हैं और मैं यहाँ तैयार हूँ लाइव के लिए टेलीविजन का। ये हम लाइव होते हैं थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, आप देख नहीं सकते, आप देखें थोड़ा सॉफ्टवेयर देख रहे हैं उसके थ्रू लाइव हूँ। इसे लाइट है, उसकी बैटरी यहाँ पर है बैग में, जिसमें लाइव विक्रांत देखे यहाँ पे है अपना टीवी का लाइव कर रहे हैं। डेविड मिलर भी लाइट है ना मेरे तरफ। थैंक यू सर। हो गया जी मैच, क्या हुआ है? तैयार है टीवी शो के लिए? कुछ हुआ अंदर? ये देखिए स्कोर यहाँ पे देखे, क्योंकि हमें चार बॉलें रह गई और चार रन है ना, लेकिन ये आवाज अंदर से आई है तो पता नहीं इस बॉल पे क्या हुआ, डॉट बॉल हो गई। आफ्टर टू विन्स इन अ रो, इट वाज डिसअपॉइंटमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, देयर फर्स्ट लॉस एट दिस टी20 वर्ल्ड कप। आई थिंक समथिंग नीड्स टू बी डन, आई एम श्योर टीम मैनेजमेंट विल लुक इनटू इट। We are very confident that India will qualify for semi-final, no questions about it. India ke players ka pressure jaise girta hai, cookies crumble. Yeah, they were also crumbling by the way. They were crumbling, but we have kya chhod diye, run out chhod diye. World Cup jeetega India, India jeetega, jeetega India. World Cup jeetega yahan. That's the spirit. Thank you guys. Have a good day. Woo, go India! होगी सर आपकी पिकनिक? पिकनिक होगी, आपको अच्छी लग रही है पिकनिक? बढ़िया लग रही है सर, मजा आना चाहिए। हाँ। जैसे कि आज मैच हुआ, अच्छा था ना? अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, क्लोज गेम। हाँ। भूख लगा देते हमारे को, हम लोग होटल के कमरे में बैठ के देखते हैं पिकनिक, और आप कभी सुशी खा रहे होते हो, कभी क्या खा रहे होते हो, हमें भूख लग जाती है यार। आप पूरे बड़े एग्जॉटिक स्टाइल में खाते हो, चॉपस्टिक के साथ में और सर का चम्मच ले लेते हो यार, उनको कहते हैं। और भैया क्या हाल चाल है? आप बताइए क्या हाल चाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फिरोजपुर का। फिरोजपुर तो पंजाबी से गल नहीं कर सकते? मैं तो पंजाबी से गल कर रहा है।
रात के 12:30 बज गए, उल्लू बोल रहे हैं अभी स्टेडियम के बाहर, कोई शख्स नहीं बचा है, सिर्फ हम हैं। टीम स्पोर्ट्स तक ये जा रहे हैं, देखें सब। वो इसलिए क्योंकि हमारे टीवी लाइव शोज़ हुए थे, उसके बाद मॉर्निंग के जो टीवी शोज़ थे वो रिकॉर्ड करने पड़े। इस बीच विक्रांत ने स्पोर्ट्स तक का एक लाइव भी कर दिया। अब देखें सब फ़ोन पे हैं इस वक्त, सब अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे दिन आपको टाइम नहीं मिलता, तो लेट नाइट एट 12:30 आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। ये हमारे पीके बाबा हैं, वो विक्रांत गुप्ता हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पे, और वो सबसे आगे उधर पीछे चल रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु। लेकिन अभी भी हमारी रात खत्म नहीं हुई, खाना नहीं खाया, तो अब हम जाएंगे खाने की तलाश में। यार खाना ऑर्डर किया कुछ? अब सबका वेट करता तो आज नहीं कल होता ऑर्डर, इसलिए मैंने अपने आप ऑर्डर कर दिया। जो मैंने मांगा है वो किया आपने? फ्रेंच फ्राइज आपने कर दिए, उसके अलावा भी अलग अलग चीजें की हैं, बट रात के बज रहे मैंने कर दिया है भाई, फ्रेंच फ्राई कर दिया। रात के बज रहे एक डेढ़, एक नहीं बज रहे डेढ़ बज रहे। सेवन डिग्री टेम्परेचर है बाहर और बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली है 24। मैच हुआ क्या? आज बड़ा अजीब सा मैच नहीं आपको, मतलब लग रहा था कि हुआ ही नहीं, मतलब अजीब सा ही माहौल हारे ना, मैच हुआ बड़ा अजीब सा ही, मतलब लेवर पेन होते रहे। बड़ी क्रिकेट खबर थी हमने ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले भी, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा मैच लगा, मतलब इंडिया के हारने से ऑब्वियसली वी आर डिसअपॉइंटेड, वी आर गटेड, बट आपको मजा आया? मतलब आप डिड यू एंजॉय द गेम? या व्हाट डिड यू एंजॉय? आई एंजॉयड सूर्यकुमार यादव's बैटिंग, अमेजिंग। आई एंजॉयड एडम माकरम's बैटिंग, ओके। आई एंजॉयड डेविड मिलर's बैटिंग, ओके। आई एंजॉयड सम गुड बॉलिंग बाय लुंगी एंगिडी एंड सम गुड बॉलिंग बाय अर्शदीप सिंह एंड मोहम्मद शमी। मतलब इट वॉज अ गुड गेम, और मैंने आपको कहा था इंडिया ने रन ज्यादा नहीं बनाया। आई डोंट थिंक आप बॉलिंग को ब्लेम कर सकते हो, आई कैचेस ड्रॉप ये आता, कोई गारंटी नहीं थी कि कैच अगर वो पकड़ भी लेता तो आप जीतते, उनके पास इतनी बैटिंग थी कि वो वहां भी जीतते। आपने रन बनाने थे। आई विल वेट फॉर आवर फूड ऑन आवर टेबल। यस, व्हाट इज द फूड फॉर थॉट फॉर द इंडियंस, मुझे आप ये बताइए। फूड फॉर थॉट फॉर इंडियन ये है कि आपने टीम सिलेक्शन गलत की। जब जब मैं ये कहता, जब जब आप पांच बॉलर के साथ गए रहे हो पर आपने लेसन नहीं लर्न किया। एशिया कप में यही गड़बड़ की थी आपने, आप जीत रहे थे, आप पांच बॉलर गिरे गए, आप हारे। आप मुझे माफ करिए, चलिए, एंड आप अश्विन को खिलाते जाइए, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। द डे दिस टीम फॉरगेट्स मैचअप्स एंड स्टार्ट्स यूजिंग कॉमन सेंस। Do you think matchups है? Matchup ही है। इतने Netherlands की टीम में कौन matchup? Matchup थे और Pakistan की टीम से कौन सा matchup? Lefties थे ना? इतने कौन सा lefty था Pakistan? फिर आपने ये देख लिया वो Pakistan की टीम में कौन left-hander batsman? नवाज है। एक नवाज ही था? शान मसूद था? शान मसूद। तो आपने, मतलब मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ, I'm sorry, मेरा ये मानना है कि जिस दिन आप हारते हो ना उस दिन आपको जिरह थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, उस दिन आपको डिबेट ज्यादा करना चाहिए। जिस दिन आप जीत गए उस दिन तो कोई सोचता ही नहीं है, पाकिस्तान को हमने हराया, हमने कहा बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, लेकिन हमने क्या किया, कारपेट के थल्ले हमने दो तीन चीजें छुपा दी। 31 for 4, हमारी बैटिंग खराब थी सर उस दिन भी, 31 for 4 आपने छुपा दिया। इवन अगेंस्ट नेदरलैंड आपने लास्ट मेरे ख्याल 6 ओवर में 80 रन बना दिए, आपकी बाकी उससे पहले 14 ओवर छिप गए, ठीक है, आपकी फील्डिंग छिप रही है। आप देखो न्यूजीलैंड, आप देखो ऑस्ट्रेलिया, आप देखो इंग्लैंड, आप देखो साउथ अफ्रीका, यार इनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत 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 आगे। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं उसने मिलर ने ना, जो मिलर और माकरम की पार्टनरशिप चल रही थी, मिलर ऐसे रखता था कि बैकवर्ड पॉइंट में दुक्के लेके गया, बिकॉज आपके फिल्टरों के थ्रोइंग आर्म नहीं है। आप जब भी इंडिया ने भी दुक्के तो इंडिया ने भी नहीं यार, लेकिन ना पता नहीं, लेकिन जो मैचअप्स की बात करते हो, मुझे ये लगता है कि कोई टीम, कोई प्लेयर, कोई सिलेक्टर ऐसी टीम नहीं। ये देखिए शुरुआत होगी स्प्रिंग रोल्स के साथ,
ये मंगाए हैं खास तौर पर हिमांशु जी ने। क्या लगता है कौन बाहर आएगा तो कौन अंदर आएगा? इंडिया जाएगी। इंडिया साथ आपके पास आया, मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं होगा, राय ज्यादा एक चेंज होगा। जी पहुंच गए वापस 2 बजे। वो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, लॉन्ग डे। मांचु जी हैं, पंकज जी हैं, विक्रांत शायद पीछे हैं, वो आ गए। क्या सीखा आज के पूरे दिन? आज का दिन बस ऐसी था जी, इम्तिहान जिंदगी लेती रहती है और आज इम्तिहान था, बट आगे और भी इम्तिहान रहेंगे। तो ये आपने सीखा? मैंने तो ये सीखा कि ना टीम के साथ ज्यादा दिल मत लगाओ, जब टूटता है ना तो बहुत बुरा लगता है यार। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने क्या सीखा? देखिए नाराज है बहुत, टीम की जो हार है वो यहाँ लगी है दिल पे। चलिए मैं ही कह देता हूँ जाते जाते कुछ आपसे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स तक। बाय बाय।